अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। ये हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है। ये सर बहुत अच्छी बात जी सर, सर आज ये भी सौभाग्य मिल गया। ठीक है सर, ये देखो गोल्ड जी, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। कुछ चीज दिखा दूं मैं आपको जो आपको ना पता हो, लेकिन ये आपको आवाज उठानी है। ठीक है, ये एक संविधान बना, ये गोल्ड प्लेटेड संविधान है हमारा। ठीक है, संविधान बना, इसके अंदर संविधान बनाने में बाबा साहब की प्रमुख भूमिका रही। उसके बावजूद भी इस संविधान के हर पेज पर कोई ना कोई नाम है। प्रेम, ये कौन है? प्रेम अभी बताऊंगा। प्रेम, एक मिनट सर, स्टार्ट इस संबंध में ये हम सांसद साहब आपको अपना रिप्रेजेंटेशन देखिए। ये एक संविधान से था कि आप सांसद बन के जाओगे, तो सांसद इस संविधान में कुछ टेम्परिंग हुई है जी। जो कि वर्तमान सरकारों ने की है, उसको हम आपके सामने लाना चाहते हैं। अब देखिए ये संविधान है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा। एक शब्द है यहाँ पर, 17 नंबर है। ठीक है, 17 नंबर पर लिखा है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट पोर्ट्रेट ऑफ फादर ऑफ नेशन गांधी डांडी मार्च, पोर्ट्रेट ऑफ फादर ऑफ नेशन, जो कि 149 पे है। देखिए अगर प्रेम, एक तो हर पेज पर आपको एक नाम मिलेगा, प्रेम 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 हर पेज पे होगा। तो हम आते हैं पेज नंबर डायर 149। ठीक है, एक तरफ तो भारत का संविधान कहता है कि सभी प्रकार की जो उपाधियां हैं वो नष्ट होंगी, कोई भी उपाधि नहीं होगी। लेकिन इसके अंदर, संविधान के अंदर ही जब फादर ऑफ नेशन लिखा हुआ है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि किसी ने भी महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ नेशन डिक्लेयर नहीं किया। दूसरा, इतिहास की जो जानकारी रखने वाले लोग हैं उन्हें ये पता है कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में दुश्मनी थी। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस को कभी भी महात्मा गांधी ने INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट नहीं बनने दिया था। उसके बावजूद भी ये जो है सुभाष चंद्र बोस जी का एक होता है, ये कहते हैं महात्मा जी फादर ऑफ अवर नेशन। जब कोई भी उपाधि नहीं दी जा सकती, कोई भी टाइटल नहीं दिया जा सकता, तो ये पोर्ट्रेट जो है इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनली इसके अंदर डाली गई है। क्योंकि जब ये कहते हैं बाद में डाली गई है, पहले की नहीं है ये, महात्मा जी फादर ऑफ नेशन। ठीक है, अब जैसे ये एक नाम है दिव्य शरण, ठीक है, आपको प्रेम नाम दिखाया, ठीक है, एक बीच में कुछ और भी आ रहा, बहुत सारे नाम है इसमें, बहुत सारे नाम है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है सर कि हम आते हैं इसके साइनिंग पेज पे। संविधान बना, संविधान पे साइन हुए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो साइन था वो पहले नंबर पे साइन होने थे, लेकिन वो पहले नंबर पे साइन नहीं हुए। साइन हुए जवाहरलाल नेहरू ने किए। जवाहरलाल नेहरू ने साइन क्यों किए? जवाहरलाल नेहरू साइनिंग वाले दिन वो ये कहते हैं कि भारत जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में दंगा हो गया है और मुझे उठ के जाना है, और सबसे पहले मेरे साइन कराइए। तो जवाहरलाल नेहरू ने बहाने से कि भाई मैं फाउंडर ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन माना जाऊं, जबकि यहाँ साइन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के होने थे, जो कि साइन नहीं हुए। इन्होंने साइन किए, उसके बाद में साइन करते हुए बाबा साहब जी के साइन हुए यहाँ। ठीक है, लेकिन जो प्रेसिडेंट था संविधान सभा की, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे, वो थे राजेंद्र प्रसाद। जब राजेंद्र प्रसाद अंदर आए तो उन्हें इस बात का गुस्सा आया। उन्होंने कहा, राजेंद्र प्रसाद जी ने, कि भाई प्रेसिडेंट मैं, अध्यक्ष मैं, साइन तो मेरे होने थे। तो उन्होंने विरोध स्वरूप दो साइन किए, एक इंग्लिश में और एक हिंदी। ठीक है, ये टेम्परिंग है। उसके अलावा ये तीन लोग हैं, सच्चिदानंद सिन्हा, बी.एन. राव और H.P.R. आयंगर, ये तीनों लोग जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अच्छा, सदस्य थे ही नहीं? सदस्य नहीं थे। सिर्फ बहुमत लेने के लिए, कांग्रेस को बहुमत लेने के लिए कांग्रेस ने इन तीनों को इसमें साइन करा दिया। उसके बाद हम ये मानते हैं कि जो संविधान है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 2 साल 4 महीने 11 दिन में की मेहनत करके बताया, लेकिन इस साइन के अलावा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहीं नाम नहीं, कहीं नाम भी नहीं है, और वो इसके अलावा। ठीक है, दूसरी बात, अब आ जाते हैं इस संविधान के लास्ट पेज। कैलीग्राफी भाई प्रेम बिहारी नारायण रायजादा सक्सेना, सन ऑफ श्री ब्रिज बिहारी नारायण रायजादा सक्सेना ऑफ दिल्ली, मेसर्स प्रेम बिहारी रामपुरिया प्रेस, ये इसका खानदान, इसलिए वो प्रेम आ रहा है, इसके पूरे खानदान का नाम दे दिया। उसके बाद इलिमिनेटेड बाय नंदलाल बोस, जिसको कि हमारे भारत के जो कानून मंत्री है वो कहते हैं कि नंदलाल बोस ने लिखा, जबकि नंदलाल बोस ने ये चित्र बनाई। ठीक है,
और अभी 26 अलीपुर रोड पे एक उन्होंने पोर्ट्रेट लगाई हुई है कि नंदलाल बोस ने और नारायण भाई रायजादा ने यह संविधान फ्री में लिखा, जो कि बिल्कुल गलत है। भारत सरकार ने उन्हें 2,43,000 रुपए दिए इस चीज को बनाने के लिए और ड्राफ्ट करने के लिए। तो हमारा विरोध इस बात को लेके है कि जिसने संविधान बनाया, जिसने दिन रात मेहनत की, जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स पढ़ी, और मैं डिबेट्स भी आपको दिखाऊंगा इसमें, उसका नाम यहाँ नहीं है लेकिन एक राइटर का नाम इसमें लिख दिया है। ठीक है, हर पेज पे जो ये है, जो प्रेम नाम लिखा हुआ है या जिनके भी नाम लिखे हुए हैं, वो पूर्ण रूप से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और हम चाहते हैं कि जब भी आप सांसद बन के जाओ, हमें एक संविधान में संशोधन कराना है, क्योंकि ये लोगों की भावनाओं के अनुरूप नहीं है। क्योंकि हमें इस संविधान के अंदर जो पोर्ट्रेट चाहिए वो सभी की चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाट गुज्जर ठाकुर ब्राह्मण बनिया, हर कम्युनिटी का हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए, सिर्फ एक कम्युनिटी का। तो ये नाम तो वैसे भी लीगल, अगर कोई आदमी चाहेगा ठीक है, प्रिंटर को तब वो पावर देगा तो ही प्रिंटर अपना नाम यूज कर सकता है, नहीं तो कर भी नहीं सकता। नहीं, ये जो प्रेस है, जो हमारा प्रेस एक्ट है, ये संविधान उसके अंदर में कवर नहीं होता। हाँ, नहीं अगर होता भी तो भी उससे पावर लेना पड़ेगा। दूसरी बात, जो संविधान के अंदर इन्होंने नाम लिखा हुआ है, इस संविधान को इन्होंने अपने बाप की बपोती बनाया हो, वो गलत है। आप इंडिया नाम लिखिए इस पे, भारत नाम लिखी है इस पे। उसके अलावा हम कहते हैं कि हर पेज पे हर कम्युनिटी हर जाति के हर व्यक्ति का नाम होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं होना चाहिए। और ये टेम्परिंग है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो बिना अप्रूवल लिए हुए, बिना अमेंडमेंट किए हुए, बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए हुए इन्होंने इसमें किए। अगर ये कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं सांसद बन के जाता हूँ तो निश्चित तौर से ठीक है, इस बात को मैं पार्लियामेंट में उठाऊंगा, जितनी ताकत से उठा सकता हूँ उससे ज़्यादा ताकत से उठाऊंगा। और जो भी इसमें अगर कुछ इलीगल है ठीक है, तो निश्चित तौर से तब तक मैं उनके साथ लगा रहूँगा जब तक वो इस बात को मानेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।